और खबर बनारस से है, जहां बीएचयू में जमकर बवाल हुआ, लाठीचार्ज हुआ, तोड़फोड़ और आगजनी हुई है और तनाव को देखते हुए 2 अक्टूबर तक के लिए बीएचयू को बंद कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि देर रात पुलिस और छात्रों के बीच में हिंसक झड़प हुई, जिसमें धरने पर बैठे छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इसके बाद पुलिस के दमन से गुस्साए छात्रों ने आगजनी की है, पत्थरबाजी की है, बवाल किया है। इसके बाद पूरे बीएचयू को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल छात्र छेड़खानी की घटना का विरोध कर रहे थे और कुलपति से ये मांग कर रहे थे कि लिखित में दें कि वो छात्रों की जिम्मेदारी लेते हैं और आगे इस तरह की घटना नहीं होगी। लेकिन लगभग 48 घंटा धरना देने के बाद भी कुलपति की तरफ से कोई लिखित ज्ञापन नहीं आया और तभी अचानक पुलिस यहां आई, जिसने छात्रों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इस लाठीचार्ज में कई छात्र जख्मी हुए हैं, तो छात्रों ने भी इसके बाद तोड़फोड़ की, आगजनी की है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और फिलहाल अब यहाँ की स्थिति को देखते हुए घोषणा की गई है कि 2 अक्टूबर तक बीएचयू बंद रहेगा। तो यहाँ पर छात्रों को तो पिटाई गई है, कई छात्राओं की भी बेरहमी से पिटाई की गई है और इसके बाद छात्रों में और भी ज्यादा आक्रोश का कहना है, क्योंकि जायज मांग नहीं मानी गई। मामला यह है कि अभी तक हम लोग जब ईटा पत्थर देख रहे हैं, अभी भी लड़कियां भी पीछा चलाए, उधर आप कैमरा करिए तो देखिए, बना रहा हूं सर, नहीं उधर पहले बना लीजिए ना। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे हमारा बल था उनको भी किया गया, तो इनको बस अंदर किया गया, हॉस्टल से अंदर किया गया। क्या मामला था कि लाठीचार्ज क्यों हुई? लाठीचार्ज अभी कुछ नहीं, देख तो आपके सामने पुलिस कर्मी पूरे हैं। दो बजे में लाठियां भी छात्राओं पे बरसाई गई, छात्राओं पे लाठीचार्ज नहीं हुए, सामने ही है, बल्कि बच्चियां ही ईटा पत्थर चला रहे हैं। फैमिली प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग का प्रोटेस्ट 2 दिन से जारी था, लेकिन एकाएक पता नहीं कहाँ से फोर्सेस आती है और लड़कों पे लाठीचार्ज होता है। वीसी हाउस के उधर होता है, जो लंका मेन गेट पे जो लाठीचार्ज हो रहा है वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है और लड़कों को तो मारा जा ही रहा, लड़कियों को भी साथ मारा जा रहा है। तो लड़कियां छिप छिप के कोशिश के पीछे से आ रही है, तब भी उन्हें मारा गया है। एक लड़की पे 5-6 लोग पकड़ के ये हम लोग मार रहे हैं, 6-7 लोग मिलकर और उनका गंदा गंदा गाली, इतने गंदे तरीके से वो गाली दे रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा वो इतने गंदे से क्यों गाली दे रहे। और यहाँ तक कि हमारी प्रोफेसर को भी उन लोगों ने सर पे मारा है और वो छोटी जो आप लोग के द्वारा भेजा गया था, इन लोग के द्वारा प्रशासन जो भेजा गया था उनके द्वारा मारा गया है और वो एक लड़की को पकड़े, 6-7 लोग पकड़ के उसको पकड़ के और बहुत पीटे हैं और उसके बाद उसको नीचे भी गिराए हैं। भारी फोर्स इस समय यहाँ पर लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं कि लगातार जो स्थिति है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण होती चली जा रही है। हालांकि सारे बड़े अधिकारी इस समय बीएचयू के अंदर हैं और जो छात्र उनसे बातचीत करने की जो कोशिश है उसको लगातार करते चले जा रहे हैं। सबको पूरी तरीके से पूरा पीछे जो है वो पूरा जो माहौल आप देख सकते हैं सन्नाटा हो चुका है और जो बड़े अधिकारी हैं वो इस समय बीएचयू के कंपाउंड के अंदर हैं, लेकिन हालात जो हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। कई गाड़ियों को, जैसा कि आप देख सकते हैं, कई गाड़ियों को मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई है और अब जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो इन सब आग को बुझाने का काम कर रही है। भारी फोर्स इस समय यहां पर आ चुकी है। आलोक पांडे, बनारस, बीएचयू।